तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि ये जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद जो है यूरोप में क्यों माने हुआ। यहाँ पे राष्ट्रवाद तो हर जगह हुआ है ना, राष्ट्रवाद हर जगह होता भी है। और सबसे पहले हम लोग ये जानें कि राष्ट्रवाद ये होता क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद बता दें कि अपने देश के प्रति बिना किसी फायदा के और अपने देश के प्रति अपने देश के हित में, देश के हित का मतलब क्या होता है कि देश के बारे में और सोच रहे हैं कि मेरा देश आगे जाए, कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो आप एक राष्ट्रवादी इंसान है, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। राष्ट्रवाद देखिए हर जगह होता है, घर में भी राष्ट्रवाद होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि कोई बाहर से आया व्यक्ति सिर्फ बोला कि कुछ दिन के लिए रहने के लिए जगह दे दीजिए, ठीक है, उसको राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। वैसे वो एक तरह से मानिए तो घरवाद समझ लीजिए, फैमिलीवाद, ठीक है। आपके घर पर आया और वो व्यक्ति घर पे आया, धीरे धीरे आपके पापा पर मतलब अपना जो भी बातों का जाल फेंक करके, ठीक है, उनको फंसा लिया, ठीक है, और उनके जरिए धीरे धीरे सब पर काबू पा लिया, सबको अब अपना ही बात मनवाने लगा, ठीक है। तो जो उसमें थोड़ा सा चालाक होगा, जो आपके पर थोड़ा सा चालाक, उसके दिमाग में खटकेगा, अरे यार ये तो यहाँ पर आया है मतलब कुछ दिन के लिए रहने के लिए शरण लेने आया, अब पूरा का पूरा राज करने लगा। जैसे कि हम लोगों के भारत में हुआ क्या, अंग्रेज लोग शरण लेने के लिए, व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे पूरा का पूरा इंडिया पर राज करना शुरू कर दिए और हम लोग हो गए गुलाम, ठीक है। तो हम में भी कोई उत्पन्न हुआ होगा चालाक व्यक्ति, बहुत सारे महात्मा गांधी आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारे लोग क्या हुए, उत्पन्न हुए और उन लोगों के प्रति गुस्सा आया कि मेरे ही देश में रह के, ठीक है, और हम पर ही ये राज करेगा, ऐसा तो होने नहीं देंगे। और यही बात हुआ, मान लीजिए कि घर में जो व्यक्ति है उसमें जो चालाक निकला, वो चालाक व्यक्ति अब सबको समझाना शुरू करेगा, सबको मोटिवेट करना शुरू करेगा। अब मोटिवेट करने के बाद सबको एकजुट कर लेगा और उसके खिलाफ अब बात होने लगेगा, जो आपके घर में व्यक्ति है उसको मार के लतिया के भगाना पड़ेगा, यहाँ आखिर यही बात होगा, ठीक है। और जो आप उसको भगा दिए तब तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर से आज़ाद हो गए, आपका बात रह गया, लेकिन जो सब लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है, तो एकजुट होने की भावना आ रहा है अपने घर को बचाने के लिए, घर का मतलब देश से समझिएगा, अपने घर को बचाने के लिए एकजुटता की भावना आ रही है। और जो एकजुटता की भावना आ रही है, एक होने की भावना आ रही है ना, वही राष्ट्रवाद है, ठीक है। और यही हुआ था आपके यूरोप में, यूरोप में सबसे पहले, यूरोप तो एक महादेश हुआ ना, यूरोप में तो बहुत सारे, पूरा का पूरा यूरोप में इसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप में हुआ क्या कि एक फ्रांस नाम का जगह है, एक फ्रांस नाम का जगह है, और सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस में हुआ था। और राष्ट्रवाद हर जगह हुआ था, लेकिन फ्रांस में जब राष्ट्रवाद हुआ तो सारे लोग जान गए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाया राजा के खिलाफ। राजा बड़ी दुराचारी, अत्याचारी, निरंकुश था, और वहाँ जो राजा था उसके खिलाफ जो वहाँ के लोगों ने मतलब बहुत जम करके, एक साथ हो करके और उसके खिलाफ जो बातें रखी, ठीक है, वो सबसे पहले फ्रांस में हुआ। फ्रांस में लुई 16वां का राज चल रहा था, और लुई 16वां एक निरंकुश राजा था, ठीक है। और वो करता क्या था कि काम मजदूरों को कोई हेल्प करे ना करे टैक्स जरूर लेता था। आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं, अभी के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हो क्या रहा है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रहा है, हर जगह टैक्स लग रहा है, लेकिन कमाई सब बंद है। वैसे ही मजदूरों को कमाई उतना ही था, जितना वो कमा रहा है उतना ही में अपने परिवार का खिलाने, उसमें भी बार बार जो राजा था, जो ये लुई 16वां, बार बार टैक्स बढ़ाते जा रहा था, ठीक है। और कुछ पर्सनल इसके लोग थे, भाई भतीजा जो समझ लीजिए या रिश्तेदार, ठीक है, वो उन लोगों से टैक्स नहीं लेता था, और सबसे ज़्यादा टैक्स मजदूरों से लेता था, जिनके पास कुछ नहीं था उन लोगों से टैक्स बढ़ा के लेता था। तो हुआ क्या कि लुई 16वां का राज चल रहा था, और ये राजा बूर्बो वंश का था। जिस तरह बूर्बो वंश एक वंश है, वंश जैसे कि मुगल वंश है, उस समय बाबर अकबर थे तो बाबर अकबर मुगल वंश के थे, वैसे ही लुई 16वां जो था वो बूर्बो वंश का था, बूर्बो वंश का राजा था। और ये बड़ा ही तानाशाही, एक प्रकार का समझ लीजिए कि निरंकुश राजा था, ठीक है। यहाँ हम लिखे हैं निरंकुश राजा का आधिपत्य, लुई 16वां उस समय इसका जब राज चल रहा था, यानी कि निरंकुश राजा का आधिपत्य सबसे ज़्यादा, पहले राजा महाराजा का जमाना था और उसमें बड़ा पूरा का पूरा राज था, तो राजाओं का था और वो जो चाहें वो करें। निरंकुश का मतलब होता है बिना अंकुश के, उस पर कोई रोक टोक नहीं, वो जब चाहेगा जो नियम बदलेगा, उसका बोला हुआ बात एक प्रकार का नियम है, वो जो बोल देगा अब
मान लीजिए आज बोल दिया कि ये काम नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे रहना है, किसी कोई भी बात अगर रख दिया तो आपको मानना है, नहीं तो आपको मतलब दंडित कर देगा, मतलब उसका पूरा का पूरा राज। निरंकुश का मतलब यही होता है कि बिना अंकुश के, आपके बस में नहीं रहे, वो अपने हिसाब से चले, उसी का मतलब निरंकुश होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले फ्रांस में क्रांति छिड़ी और वहाँ लुई 16 बड़ा ही अत्याचारी राजा था। अब ये राजा लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो लोगों के अंदर एकजुटता की भावना, जो उसमें चलाक वर्ग के लोग थे, जैसे मध्यम वर्गीय लोग, थोड़ा सा जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग क्या किए कि अब एक दूसरे को लगे समझाने की, देखो ये राजा हम लोगों से टैक्स ज़्यादा ले रहा है, और टैक्स भी ज़्यादा ले रहा है और हम लोगों को प्रताड़ित भी कर रहा है, जो मन करे हमारे साथ बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसके खिलाफ हम लोगों को जाना चाहिए। अगर ये राजा हट जाता है, और वहाँ के लोग चाहते थे कि यह एक राज्य जो है फ्रांस, ये गणतंत्र राज्य बन जाए। गणतंत्र राज्य का मतलब क्या होता है कि वहाँ लोगों का, गणतंत्र समझिए, स्वतंत्र समझ लीजिए, लोकतंत्र समझ लीजिए। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन, जो लोग चाहेंगे, वहाँ की जनता चाहेगी, उसी प्रकार से नियम बनना चाहिए, ठीक है। ये बात लोगों के अंदर बनी कि आप जब आज़ाद हो जाएगा तो अपने हिसाब से रहेगा, आप जितना मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जब तक ये राजा रहेगा इसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसके पास भी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि इसके जितने भी पीछे पूर्वज लोग थे, वो लोग लड़ाई करते करते अपना संपत्ति गंवा चुके थे, और ये बेचारा कर्ज में डूब चुका था। और कर्ज में डूब, कोई भी राजा या कोई भी सरकार ही हो, ठीक है, अगर कर्ज में अगर डूब जा रही है तो उसको, उस कर्ज को मेंटेन करने के लिए वो टैक्स बढ़ा देगी, हर चीज़ पर एक्स्ट्रा पैसा लेगी, और वो जो हर चीज़ पर एक्स्ट्रा पैसा, लोगों के अंदर गुस्सा है कि भाई टैक्स तो हम लोगों से ज़्यादा क्यों ले रहे हो, जबकि इसके पास भी कुछ मजबूरी थी। लेकिन ये था कि ये अय्याश मिजाज का भी है, राजा लोग उस समय अय्याश मिजाज के भी कुछ लोग होते थे, कुछ ही लोगों ने मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और इस लुई 16वां को फ्रांस से भगा दिया। भगाने के बाद से इसका तानाशाही समाप्त हो गया, और तानाशाही जब समाप्त हो गया तो उसके बाद से उसमें, उस क्रांति में कुछ बदलाव हुआ, और बदलाव हुआ क्या, थोड़ा सा देखते हैं क्रांति के बाद आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है। तो अब क्रांति हुआ तो वहाँ से राजा चले गए, और राजा के जाने के बाद लोगों ने अब अपना नियम बनाया कि अब जो लोग चाहेंगे और लोगों के लिए जो बेहतर नियम होगा वही लगेगा। राजनीतिक संवैधानिक बदलावों का जिम्मा नागरिकों के हाथ में, अब जो भी राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव होगा, अब वहाँ जो भी बदलाव करेंगे लोग करेंगे, अब वहाँ किसी भी राजा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से एक बात बताइए, इतना आसानी से तो राजा जाएगा नहीं, उसके लिए सबको एक करना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए बड़ा मेहनत लगेगा। कैसे, लोगों को सबका दिमाग अलग अलग होता है, घर में हम लोग एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि घर में अलग अलग, सबके सारे लोगों का सोच अलग अलग होता है, तो पूरा का पूरा एक देश को समझाना तो बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ दिमाग, कुछ मध्यम वर्गीय लोग जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग थे, वो कुछ दिमाग उसमें लगाए, वो किए क्या, एक ऐसे चीज़ का वो सोचे कि निर्माण करे जिससे सबको प्यार हो, और वो चीज़ आखिर क्या था, तो वो बोले कि जो ये फ्रांस की धरती है ना, ये हमारी पितृभूमि है। पितृभूमि का मतलब होता है कि बाप दादा के जागीर, यानी होता क्या है कि ये फ्रांस की धरती मेरी है। ये बात पूरे फ्रांस में फैला दिया गया कि ये तुम लोगों के फ्रांस की ज़मीन है, और इस पर कोई अधिकार करे तो तुम बर्दाश्त कैसे कर सकते हो। और जब सारे लोगों ने ये बात सोचा कि ये मतलब फ्रांस की ज़मीन मेरी है, तो सब लोग बोले कि हाँ जी, ये तो मेरा भी ज़मीन है, ये तो मेरे, हम ही तो फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। ये दिमाग में आया तो थोड़ा सा एकजुटता है कि सारे लोग तो फ्रांस के हुए ना। उसके बाद से नागरिकता, और ये फ्रांस की ज़मीन मेरी है और हम यहाँ के नागरिक है, ये दिमाग में उन लोगों को ठोक दिया गया। सारे फ्रांस के लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया गया कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, ये मेरी पितृभूमि है, बाप दादा की जागीर है, ठीक है, और हम यहाँ के नागरिक हैं, ये दिमाग में बात डाल दिया गया। और वहाँ एक ही झंडा बनाया गया। वो एक झंडा क्यों बनाया गया, अगर एक ही झंडा रहेगा तो सारे लोग उस झंडे के लिए लड़ेंगे। अलग अलग झंडा रहेगा तो कोई अपने लिए लड़ेगा, कोई अपने लिए लड़ेगा। होता क्या है कि अलग अलग झंडा का एक वजह होता है, मान लीजिए कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चार ठो कुछ देर के लिए ले लीजिए, अगर उसके बाद अगर ये सब लोग अलग अलग बंट के अपने अपने झंडे के लिए रहेंगे तो तीसरा आके मज़ा ले लेगा, ठीक है, और धीरे धीरे एक दूसरे को एक करके मिला के आप फिर से एक बार हिंदुस्तान को गुलाम कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मध्यम वर्गीय लोगों ने दिमाग लाया कि नहीं, एक तो झंडा होना चाहिए जो सारे फ्रांस के लोग उसी झंडा के लिए लड़ें। तो ये दिमाग लगाया गया। तो वहाँ पे जब झंडा एक लाया गया तो सारे लोग, सारे क्षेत्रीय झंडा को हटा करके एक फ्रांस का झंडा बन गया, और वहां पर राष्ट्रगान एक ला दिया गया, मर्सीले नाम का एक राष्ट्रगान था।
मर्सीले नाम का ये जो गान था, जब सैनिक लोग लड़ने के लिए जाते थे तो जुनून लाने के लिए गाते थे। हम लोग जब जनगण मन अधिनायक की जय है जब ये गाना गाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जुनून आता है हम लोगों के अंदर, और ये जुनून कुछ आगे करने का मोटिवेशन देता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। वैसे ही जो ये मर्सीले गाना था ये फ्रांस के वीर लोगों के लिए था, और ये जब गाना गाते थे तो उन लोगों के अंदर एक जुनून आता था। थोड़ा सा मर्सीले नाम याद करने का सेंस समझ लीजिए कि कैसे मर्सीले नाम नाम होता है कि बार बार लोग भूल जाते हैं, तो कैसे याद करें। फ्रांस अलग अलग टूटा हुआ था, तो फ्रांस टूटा हुआ था अलग अलग, सबको एक करेंगे और एक होने के बाद से राजा को भगाएंगे, ये बात तो सही है। तो यहाँ देखिए, फ्रांस को एक करके हमको सीना था, क्या करना था, सिलाई करना था, सिलेंगे तभी ये ना एक होगा, एक जगह अलग अलग कोई कपड़ा फटा हुआ तो सी करके हम लोग एक कर देते हैं ताकि काम चल जाए, ताकि मेरा वदन ढक जाए, यही हम लोग काम करते हैं। तो हुआ क्या कि फ्रांस अलग अलग था और वहाँ पे उस सभी फ्रांस को एक करके और उसको सिलना था, ठीक है। अब वो कैसे, तो आप लड़ाई करके सीजिए, जिंदा रह के उसका सिलाई कीजिए, मरने के बाद सिलाई कीजिए। आप जिस तरह से अगर मरने के बाद, शहीद होने के बाद अगर लोगों को ये लगे कि अरे यार ये अच्छा ही कर रहा था मर गया, और इसको देख करके अगर आपके अंदर जुनून आ रहा है तो आपका मरा हुआ यानी कि आप जो शहीद हुए हैं सवारत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो हुआ क्या कि मर के फ्रांस को सी लेना है, जिंदा रहो या मरो लेकिन फ्रांस को एक जगह सी लेना है, एकजुट कर लेना है, इसीलिए ये गाना बनाया, मर के सीले यानी मर्सीले गाना बनाया गया, फ्रांस का राष्ट्रगान था, ठीक है। और ये नया झंडा, इसी झंडा के लिए सब लोग लड़ेंगे, और समान नागरिकता कि हम इस देश के नागरिक हैं, ठीक है, और इस देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और वहाँ पे हुआ क्या, और एक ही पितृभूमि यानी कि ये मेरे बाप दादा की जगह है। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ अगला टॉपिक है कि क्रांति के बाद जो भी कार्य हुआ वो कौन कौन सा सुधार किया गया। जब सब कुछ एकजुट हो गया, जब सारे लोग अपने अपने पितृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ करके राजा को थूर थार के भगा दिए, समझिए तो मार करके भगा दिए, उसके बाद से उस फ्रांस को चलाने के लिए बिना राजा का और बिना किसी प्रधान के देश को चलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा थोड़ी है कि एक छोटा सा व्यक्ति, अब सब किसी का राज हो गया, अब एक छोटा सा व्यक्ति का एक काम कीजिए इस कानून को हटाइए जी, और या फिर दूसरा बोले कि नहीं ये कानून सही है इसको हटाइए, सब किसी के हाथ में थोड़े चल जाएगा। एक समाज बनेगा और समाज में एक लीडर को चुना जाएगा, और वो लीडर काफ़ी समझदार होगा, जिसके पास हैंडलिंग पावर होगा, सबको मतलब हैंडल करके और एक अच्छा सोच दे सके। ऐसे व्यक्ति को ना चुनेंगे कि सबका, अब देखिए लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी लोग हैं सब लोगों का अधिकार है कि उसमें राय दे, राय सबका, सजेशन तो सबका अनिवार्य है, राय सब कोई दे, लेकिन वहाँ पे सब कोई अपना डायरेक्शन नहीं देगा कि नहीं यही काम होना चाहिए, तो एक प्रधान को चुनना पड़ता है। तो जब लुई सोलहवां को भगाया गया और लुई सोलहवां हट गया तो फ्रांस का जो व्यवस्था था काफ़ी खड़बड़ा आ गया था कि अब इस फ्रांस को सही से चलाने के लिए इसको कैसे हम लोग क्या क्या सुधार करें। तो वहाँ कुछ सुधार किया गया था कि क्रांति के बाद जो सुधार हुआ है देखते हैं। नया एक संविधान बना, संविधान आप लोगों को पता भी होगा कि देश को चलाने के लिए जो भी नियम लिखा जाता है, ठीक है, और नियम को लिख करके लागू किया जाता है, समझिए वही एक संविधान है, ठीक है। सभी को समान अधिकार, एक चीज़ किया गया उसमें कि सबको बराबर का अधिकार है, ये नहीं कि आप थोड़ा सा बड़े जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ अलग अधिकार मिलेगा और आप छोटे हैं तो अलग अधिकार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कोई अब फ्रांस में बराबर है, ये किया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय लोगों के द्वारा, स्टेट जनरल का चुनाव जो भी जनरल का चुनाव होने लगा अब ये सक्रिय लोग वहाँ के लोगों के हाथ में होने लगा। अब ये यहाँ पे राजा किसी चीज़ का चुनाव नहीं करेगा, अब वहाँ के जो भी सक्रिय एक्टिव लोग हैं, थोड़ा सा तेज तरार लोग हैं, अब वो ये चुनाव करेंगे, ठीक है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, ये बहुत अच्छा हुआ। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क ये भी बहुत ज़्यादा लगता जिससे कि लोग परेशान होते थे कुछ देर के लिए। सपोज कि मान लीजिए कि एक आप बिहार राज्य में रहते हैं, आपको जाना है उत्तर प्रदेश यूपी में, तो जो आप जाइएगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय टैक्स लगता है, और वो टैक्स जो फ्रांस में लग रहा था ना, जो फ्रांस में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना तो बड़ी ज़्यादा लग रहा था, तो डायरेक्ट जब लुई सोलहवां को जो पीट करके हटाया गया था तो उसके बाद से ये टैक्स को समाप्त कर दिया है कि नहीं आपको अपना व्यापार अगर करना है तो आप इस राज्य से दूसरे राज्य में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं, आप फ्री हैं, ठीक है। तो आंतरिक आयात निर्यात का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, ये बहुत अच्छा किया गया, ये जो कानून था ये बहुत अच्छा किया गया, जैसे कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून। एक बात बताइए,
कुछ देर के मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा घर का है और वो एक अपराध किया, ठीक है, और एक गरीब व्यक्ति है वो भी अपराध किया, दोनों अगर सेम अपराध किए हैं तो पहले होता क्या था कि कोई बड़ा घर का लड़का है, ठीक है, तो वो जल्दी छूट जाता था, उसको छोटा मोटा सजा दे करके और उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसको अगर वही गुनाह वो किया है तो लोग बहुत सारे मिल करके बोलेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सजा इसे बहुत कड़ी मिलना चाहिए। और जो गरीब अमीर व्यक्ति था वहाँ पर क्या होगा कि कुछ कोई नहीं बोलेगा, तो वहाँ पर ये नियम हटा करके बहुत अच्छा किया गया। मान लीजिए कि कोई सपोज कि कोई लड़की जा रही है और उसे कोई अमीर घर का लड़का छेड़ दिया, वो रोते रोते आए और घर पे बोले, तो वहाँ लोग राय दें कि क्या उससे मुंह लगने जाओगे, वो बड़े लोग हैं, ठीक है, और वैसे भी कानून उसको माने है कि नहीं, थोड़ा सा लोगों के अंदर डर भी था इसीलिए वो कहने भी नहीं जाते थे, कंप्लेन करने भी नहीं जाते। लेकिन वही अगर एक गरीब घर का लड़का है तो 50 को मिल करके उसको पीट देगा, मतलब वहीं एकजुट होकर के, या फिर जा करके एक बार नहीं दो चार बार थाना में कंप्लेन करेगा ताकि दो चार बार उसको सज़ा मिले। तो ये यहाँ पे हटा दिया गया, अगर गुनाह दोनों ने किया है तो दोनों को सज़ा बराबर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से समान मापतौल और समान भाषा, ये भी बहुत अच्छा किया गया। अब नहीं ये नहीं समान मापतौल, देखिए फ्रांस में होता क्या था कि हर जगह बटखारा जो होता है, जो वजन करने वाला जिसे हम लोग जोखते हैं मापते हैं, ठीक है, अलग अलग था। कोई मान लीजिए कि 900 ग्राम का था, कोई 800 ग्राम, कोई 600 ग्राम, और सब एक एक किलो में गिना रहा है कि एक किलो ही हुआ। तो ये सब सिस्टम हटा करके सबको जब समान रखना है तो भाई वजन भी समान होना चाहिए, तो समान मापतौल समान भाषा, एक ही को भाषा बनाया गया। देखिए ये सब क्यों बनाया गया, ताकि लोग एक रहें, ठीक है, सब कुछ समान रहेगा तो एक ही भाषा। सपोज आप यहाँ के भारतीय हैं, आप गए हैं सऊदी अरब या कहीं कमाने के लिए, ठीक है, और वहाँ आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ का एक मान लीजिए इंडिया का व्यक्ति है, इसको सही से समझिएगा कि ये जो समान जो भाषा है कैसे है। एक इंडिया के व्यक्ति है, एक पाकिस्तान का व्यक्ति है, ये दोनों गए हैं कमाने के लिए सऊदी अरब में, ये इंडिया वाला भी हिंदी बोल रहा है, पाकिस्तान वाला भी हिंदी बोल रहा है। लेकिन एक ऐसा इंडिया का आदमी जो थोड़ा सा मतलब कि पढ़े लिखने वाला है, थोड़े बहुत पढ़ा लिखा होता है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, गया और यहाँ पे एक इंग्लिश बोलने वाला इंडियन है और एक थोड़ा सा ऐसे ही मतलब लोअर फैमिली से है, थोड़ा सा गरीब परिवार, वो भी गया है। तो वहाँ पे जब ये तीनों मिले, दो भारतीय और एक पाकिस्तानी, ठीक है, तो पाकिस्तानी जो था वो हिंदी बोल रहा था, इधर का एक हिंदुस्तानी हिंदी बोल रहा था, और इधर का एक हिंदुस्तानी इंग्लिश बोल रहा था। तो अब एक बात यहाँ सोचने वाली है कि जो हिंदुस्तानी जो हिंदी बोल रहा है उसका ज़्यादा किससे बनेगा, पाकिस्तानी से, क्योंकि वो भी हिंदी बोल रहा है, भाषा मिल रहा है ना, इससे कम बनेगा क्योंकि इसका भाषा समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से सही से बनेगा। तो इसीलिए समान भाषा भी कर दिया गया कि समान भाषा चला है कि ओ लग रहा है कि ये मेरा भाषा समझ रहा है तो बड़ा अच्छा से उससे बात भी हो जाएगा, इसीलिए समान भाषा लगाया गया। फ्रांस में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए भी और उसको एक करने के लिए भी समान भाषा लगाया गया। और जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल भी रहा था और ये टोटल नियम पूरा का पूरा लग गया, उसके बाद से अब यहाँ फ्रांस के लोग सोचे कि एक काम करते हैं, यहाँ पे अब फ्रांस हो गया पूर्ण रूप से आज़ाद, अब यहाँ किसी भी राजा का, किसी भी राजा रानी का, किसी का भी अधिकार अब नहीं है, अब सारे लोग आज़ाद हो गए। तो ये तो सारे लोग चाहते हैं ना, पूरा यूरोप के लोग चाहते हैं, ये फ्रांस ही क्यों, देखिए पूरा का पूरा ये मान लीजिए कि आपका हो गया ये यूरोप, यूरोप में छोटा छोटा देश है, ठीक है, उसी में एक देश छोटा सा है फ्रांस, तो फ्रांस के लोग तो बहुत अब खुश रहने लगे। और जब फ्रांस के लोग बहुत खुश रहने लगे तो वहाँ हुआ कि अब ये चाहते थे कि अब ये पूरे का पूरे यूरोप में जो जो लोग अपने राजा से परेशान हैं, दुखी हैं, उस राजतंत्र को ख़त्म करके वहाँ गणतंत्र लगाया जाए, समझिए तो लोकतंत्र लगाया जाए, यानी वहाँ पर अब लोगों द्वारा एक नेता चुना जाएगा। पहले होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा अगर मर गया, राजा कितना भी अच्छा हो खराब हो या फिर उसका बेटा कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन राजा का बेटा है ना तो राजा ही बनेगा, दूसरा गरीब जो काफ़ी पढ़ा लिखा है और काफ़ी तेज तो वो कभी राजा नहीं बन सकते, ये खानदानी उन लोगों में चलता था, ठीक है। तो ये चीज़ हटा कहाँ पर, फ्रांस में हट गया, ये चीज़ हुआ क्या, फ्रांस में हट गया। और ये चीज़ जब सारे लोग जब जाने, मतलब पूरे के पूरे यूरोप में लोग जाने कि फ्रांस तो आज़ाद हो चुका है, वो अपने हिसाब से अब रह सकता है, तो यूरोप के सारे देशों में, लगभग कुछ कुछ देशों में ये बात फैलने लगी कि फ्रांस में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ जिसके वजह से वहाँ के राजा को हटा दिया गया है। तो ये बात, आज़ादी किसको पसंद नहीं है, सारे देश के लोगों ने मतलब अब इन लोगों को निमंत्रण देने लगे कि मेरे यहाँ भी आइए, राष्ट्रवाद को ख़त्म कीजिए, ठीक है। वहाँ बहुत सारे, तो यहाँ आगे टॉपिक है
फ्रांस का एक घोषणा पत्र था, फ्रांस का एक अब लक्ष्य बन गया, एम बन गया कि अब हमको करना क्या है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और निरंकुश शासकों से मुक्त कराना। उसने ठान लिया कि पूरा का पूरा जो यूरोप है इसमें जितने इसमें राष्ट्रवाद हम उत्पन्न करेंगे, सारे लोगों के अंदर जुनून उत्पन्न करेंगे अपने देश के प्रति, और वो जुनून उत्पन्न करके और वहाँ के राजतंत्र को ख़त्म करके और वहाँ गणतंत्र लाएंगे। ये अब ये यूरोप में कौन, ये फ्रांस के लोग ठान लिए, ठीक है। और उसके बाद से निरंकुश राजाओं इन लोगों को तो थूर थार के भगा देना है, यानी कि बढ़िया से पीट करके इन लोगों को हटा देना है, निरंकुश राजा का कहानी ख़त्म करके और वहाँ सुखी से रहना है, यहाँ गणतंत्र कायम कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से ये सब जो भी अच्छा अच्छा ये घटना घट रहा था, तो ये घटना कोई अकेले नहीं, जैसे होता क्या है कि कोई भी इतना सारा नियम लाए तो इसमें चलाक आदमी की ज़रूरत है, बहुत तेज तरार और इंटेलिजेंट माइंड चाहिए। तो ये सब जितना जितना घटना कर रहा था, इसमें एक आदमी बड़ा फेमस हो रहा था, उसका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित था और वो वाकई में चर्चा के लायक है, ठीक है, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कहा जाता है कि जो स्ट्रगल करके मेहनत करके और जो आगे जाता है, ठीक है, और मेहनत करके आगे सफलता को प्राप्त करता है, उसका नाम बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, जिंदा रहता है। और अमीर आदमी अगर कुछ ज़्यादा अमीर हो जाए तो उसका नाम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट समझो तो एक सैनिक था, और ये सैनिक होने के बाद ये राजा भी बना। एक सैनिक जो राजा बन जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये नेपोलियन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके बारे में। इसमें कुछ खास बातें हैं जो और राजा में नहीं है, जिसकी वजह से इसको हराना बहुत मुश्किल था। एक छोटा सा सेनापति, एक छोटा सा समझिए तो सैनिक, जो कि पूरा का पूरा फ्रांस नहीं पूरा यूरोप को जीत लिया था, आखिर इसमें वो कौन सी क्वालिटी थी, कौन सा गुण था, आखिर ये किस तरह की विद्या का इस्तेमाल करता था, ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करता था, जिसके वजह से पूरे यूरोप को जीत लिया था। और इस राजा के लगभग लोग काफ़ी फैन हो चुके थे, और ये कभी हार मानना नहीं सीखा था, कभी भी ये हारता नहीं था, ये समझिए तो हमेशा जीतने की कोशिश करता था और किसी भी काम को करने में बड़ा दिलचस्प रहता। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।